Hi guys, I'm Namrata. Welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So, आज की वीडियो है एक मिनी रिव्यू वीडियो. So, मिनी रिव्यू वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का इनडेप्थ रिव्यू शेयर करती हूँ, वो भी कम से कम टाइम में. So, आज मैं शेयर करूंगी ये मेबलिन का फिट मी प्राइमर. ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसमें दो वेरियंट्स आते हैं. मैंने इसे ऑर्डर किया है मैट पर पोरलेस वेरियंट में. So, अगर आपको दूसरा वेरियंट भी देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे भी परचेज करके आपके लिए उसका रिव्यू शेयर करूंगी. So, ये अभी एक दिन पहले ही लॉन्च हुआ है. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका प्राइस, क्वांटिटी, कहां से आप परचेज कर सकते हैं, इसका डेमो दिखाऊंगी कौन सी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, और इसमें आपको एक वेयर टेस्ट भी दिखाऊंगी कि इसके बाद मेकअप करके क्या मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है या नहीं रहता है. सो मेक श्योर वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करके और ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूं. और ये जो मेकअप लुक है मैं ऑलरेडी वहां पे क्रिएट कर चुकी हूं. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू मेंशन दिस कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. मैंने खुद इसे nykaa.com से परचेज किया है. एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी वहां से परचेज कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द आउटर पैकेजिंग, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. एक ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड इसके ऊपर इसका नेम, ये क्या क्लेम करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका प्राइस और क्वांटिटी सब मेंशन है. दिस रिटेल्स फॉर ₹499 और अभी आपको इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है. एंड इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 30 ml. सो 30 ml जो इसमें क्वांटिटी मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी अच्छी खासी है क्योंकि पी साइज अमाउंट लगता है प्राइमर में, ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है. तो ये आपका बहुत लंबे टाइम तक लग जाएगा और आप इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं. इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी 3 years की है, तो डेफिनेटली आप बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं. और आपको बार बार प्राइमर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको एक प्राइमर अच्छा लग जाता है तो आप उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते. सो अब बात करते हैं इसके मेन इनर पैकेजिंग की. सो ये एक ट्यूब पैकेजिंग में आता है एंड ये पैकेजिंग पर्सनली मुझे बहुत ही कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज लगी. जैसे आप इसे ओपन करेंगे इसकी कैप को, सो इसमें आपको नोजल मिलती है जिससे प्रोडक्ट आप बहुत ही इवनली निकाल सकते हैं. जब भी आप प्राइमर यूज करते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है क्योंकि आप बस उन चीजों को कवर अप करना चाहते हैं जहां पे आपके पोर्स हैं या जहां पे आपको ज्यादा ऑयली लगता है, जैसे कि टी जोन या फिर जैसे आप बोल सकते हैं चीक्स एरिया. तो उसमें सिर्फ पी साइज क्वांटिटी लगती है एंड ये इस हिसाब से बहुत ही अच्छा है. आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट स्क्वीज करके निकाल सकते हैं. ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है क्योंकि ये ग्लास बॉटल नहीं है, बहुत ही कन्वीनियंट इजी सी पैकेजिंग है और अच्छे से इसकी कैप बंद हो जाती है तो आप ट्रैवलिंग में भी इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्लेम क्या करता है एंड ये कौन सी स्किन टाइप के लिए अच्छा है. सो इसके ऊपर मेंशन है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये प्राइमर एक मैट प्लस पोरलेस प्राइमर है. जितने भी लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, स्पेशली नोज एंड चीक एरिया पे, तो उस एरिया को स्पेशली ये मैटिफाइंग लुक देगा. एंड अगर आपके पोर्स का इशू है, जिनके एक्ने प्रॉब्लम होती है उनको पता है कि धीरे धीरे पोर्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स, तो उनको कवर करने में हेल्प करेगा. इसका हम आगे टेस्ट भी करेंगे. सो ये आगे क्लेम करता है कि ये आपकी जो ऑयल की शाइन है उसे कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है कि दिस इज इन्फ्यूज्ड विद क्ले टू इंस्टेंटली मैटिफाई योर स्किन. तो मैंने अभी बताया कि इंस्टेंटली आपके फेस को एक मैटिफाइंग लुक देगा. नेक्स्ट है कि एक बहुत ही लाइट वेट क्रीम टेक्सचर है जो आपके मेकअप को एकदम सीमलेस फिनिश देगा, क्योंकि अगर आपका प्राइमर सीमलेस होगा तो आपका मेकअप भी उसके पीछे अच्छे उसके ऊपर अच्छे से ग्लाइड कर जाएगा एंड आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. सो अब बात करते हैं इसके टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी की. तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसका जो स्पेशली कलर है वो एक व्हाइट कलर का है और ये इसमें आपको कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है क्योंकि ये प्राइमर एक क्रीम बेस्ड प्राइमर है और ये एक व्हाइट कलर का है. तो जैसे आप इसे ब्लेंड करेंगे बहुत कम क्वांटिटी लगती है एंड ये इस तरीके से व्हाइट कलर का लगता है एंड आपके फेस पे भी बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाएगा. अभी मैंने इसमें क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा लिया तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी क्वांटिटी, अगर आप थोड़ा सा भी यूज करते हो तब भी ये बहुत ही ज्यादा एरिया पे ब्लेंड हो सकता है. तो आपको क्वांटिटी बहुत कम ही लेनी है. जिस एरिया पे आप इसे ब्लेंड करेंगे उस एरिया पे पहले थोड़ा थोड़ा व्हाइट कास्ट देगा, बट धीरे धीरे करके जैसे ये ब्लेंड होने लग जाएगा आपके स्किन में, आपकी स्किन एकदम उस एरिया से मुझे हाथ लगाने से फील हो रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट लग रही है. पोर्स का तो आप फेस पे अप्लाई करके बता पाएंगे, बट दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस कि इस एरिया में आपको थोड़ा सा ब्राइटन अप भी कर रहा है, ये आपके फेस को भी ब्राइटन अप करेगा. एंड दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये मुझे और ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है और इसके बाद अगर मैं मेकअप भी करती हूँ अपने फेस के ऊपर तो वो भी और ज्यादा सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा. कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है, एक मीडियम कंसिस्टेंसी है. जैसे इजिली आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं वैसी है. तो अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ. सो मेकअप करने से पहले मैंने इसे शूट कर लिया था जिससे कि मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखा पाऊँ एंड बाद मेकअप के बाद मैं आपको इसका वेयर टेस्ट भी दूँ.
ये था डेमो। इसके बाद मैंने अपना फुल फेस ऑफ मेकअप किया है क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि क्या इसके ऊपर जो मेरा मेकअप है वो लॉन्ग टर्म तक स्टिक करता है और इसके बाद ये मैटिफाइंग और पोरलेस जो फिनिश आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वो करता है या नहीं करता है। तो डेफिनेटली ये आपके मेकअप को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा और स्मूथली सारी चीजें ब्लेंड भी हो जाती है। मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन टाइप है लेकिन अभी इस टाइम पे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप चल रही है क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो थोड़ा थोड़ा जो ये टी जोन है मेरा यहाँ पर ऑयल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसीलिए मैं ट्राई करना चाहती थी। इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये जो प्राइमर है ये कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आपके लिए प्राइमर नहीं है, आप कोई और प्राइमर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोर्स को फिल करता है या नहीं करता है। तो पोर्स के लिए मैंने जो देखा है, जितना क्लोजअप मैं देख रही हूँ, आप उतना कैमरे में नहीं देख सकते, तो क्लोजअप में मैं देख रही हूँ कि अभी भी कुछ पोर्स मुझे यहाँ पर विजिबल हैं, तो जिनके बहुत ज्यादा एक्सेसिव ओपन पोर्स हैं तो हो सकता है कि उनको ये ज्यादा सेटिस्फाई ना कर पाए। अगर आपकी स्किन स्मूथ है, पोर्स के इशू नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। सो अभी इस टाइम पे 4:20 हो रहे हैं, दोपहर के 4:20, अभी मैं इसे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स तक अपने फेस पे रखूंगी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना है। तो उसके बाद मैं वापस आके आपको दिखाती हूँ, क्लोजअप भी दिखाऊंगी, अभी भी थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखाऊंगी, इसके बाद आप देखना। और उसके बाद मैं 6 आवर्स के बाद भी आपको थोड़ा क्लोजअप आके दिखाऊंगी कि क्या ये ऑयल दोबारा से क्रिएट करता है उन एरियाज में या नहीं करता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है या नहीं होता है। तो अब मैं सीधा आपसे मिलती हूँ 6 घंटे बाद। सो अभी हो रहे हैं रात के 9:30 और इससे पहले जो मैंने आपको टाइम दिखाया था जब मैंने मेकअप किया था तब 4:30 हो चुके थे और 4:30 से पहले मैंने आधे घंटे पहले मेकअप कर लिया था, तो 5-5.5 घंटे मान के चलते हैं। तो अभी मैं बाहर भी गई थी, मास्क भी लगाया था, मॉल होके आई हूँ और थोड़ी बहुत जब हम ब्रीदिंग लेते हैं मास्क के अंदर तो जो हमारा ये एरिया होता है स्पेशली जहाँ हम मास्क अप्लाई करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है एंड उससे थोड़ा बहुत ऑयलीनेस आपको दिखने लग जाती है अगर कभी आपने नोटिस किया हो मेकअप करके मास्क लगाने के बाद। तो अभी आप अप क्लोज देख सकते हो कि जो नोज एरिया है यहाँ से सिर्फ जो नोज के कॉर्नर्स हैं मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऑयली फील हो रहा है, बाकी चीक्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे मैंने उस टाइम अप्लाई किया था, जैसे मुझे वैसा लग रहा था। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, इससे मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है। 5-5.5 घंटे तो आपने देख ही लिया है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इतना ज्यादा मेकअप करने की नीड होगी, बट अगर होगी भी तो 7-8 घंटे भी ये डेफिनेटली आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रख सकता है। एक और चीज मेंशन करूंगी, जब मैंने पहले आपको बताया था कि ये पोर्स को फिल नहीं करता है तो अभी भी पोर्स सिर्फ थोड़े थोड़े ही विजिबल हैं जो बहुत ही ज्यादा ओपन पोर्स है, बाकी जो पहले सीमलेस फिनिश आ रही थी मेकअप के बाद बिल्कुल वैसे ही फिनिश आई है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी ऐसी स्किन टाइप है तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपके लिए आज के वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई मेकअप लुक देखना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हैं किसी मार्केट को, तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं जरूर उसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। सो मैम आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।